गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लेसन्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पॉट टू लेकर प्लांट के बारे में बताऊंगी, जिसे 10 o'clock प्लांट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सुबह 10 बजे के आसपास जो है वो फुल ब्लूम पर होते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है वो समर के लिए बहुत ही बेहतरीन पौधे हैं। इस तरह के जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, ये समर में बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लूम करते हैं और बहुत सारे फ्लावरिंग करते हैं और किसी भी साइज़ के कंटेनर में ग्रो हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि छोटे से छोटे साइज़ के कंटेनर में ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन पौधों को दो तरीके से ग्रो किया जाता है, कटिंग से और सीड से। कटिंग से ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, सीड से इन्हें ग्रो करने के लिए इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं वो मार्केट में आते हैं। 30 से 40 रुपए के ये पैकेट बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इन्हें ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, या किसी नर्सरी की शॉप पर या किसी सीड की शॉप पर ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कटिंग से ग्रो करते हो तो वो बहुत ईजी रहता है। अगर आप बिगनर हो और अभी अभी कोई प्लांट लगाना चाहते हो तो ये जो प्लांट है वो बहुत बेहतर होता है। फ्रेंड्स, इसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में बहुत ईजिली ग्रो कर दिया जाता है। आप देख सकते हो कि मैंने जो सीड्स है उन्हें स्प्रेड किया था और ये जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल गार्डन सॉइल है। बट फ्रेंड्स, सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि इन प्लांट्स को बिल्कुल भी ठहरा हुआ पानी अच्छा नहीं लगता है। जो सॉइल है वो हल्की मॉइस्ट हो तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, वरना जो ये पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, क्योंकि जो इनकी स्टेम है उसमें ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है। और फ्रेंड्स, इन्हें धूप की बहुत ज़रूरत होती है, इन पौधों को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये पौधे सनलाइट में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जो सीड्स मैंने अभी डाले थे वो कितने छोटे छोटे हैं। फ्रेंड्स, पॉटुलेका के जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो आप लोगों को इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है। अगर आप इन्हें अंदर दबाओगे तो ये जो प्लांट है वो निकल नहीं पाएंगे। आपको इन्हें थोड़ा थोड़ा ऊपर ही रखना होगा मिट्टी के। और फ्रेंड्स, इनके जो सीड्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि कई बार तो हाथ पर ही चिपक जाते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने जो पहले सीड्स डाले थे उनका जो है रिजल्ट आ गया है और काफी छोटे छोटे जो लिटिल लिटिल प्लांट्स है आप देख रहे हो किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। ये सारी की सारी पॉटुलेका की सीडलिंग्स है फ्रेंड्स। और अब मैं इसी के पास में थोड़ी और प्लांट्स जो है वो ग्रो करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी कंटेनर में प्लांट को ग्रो करें तो उसके नीचे होल ज़रूर रखें। आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स, ये रेड कलर का पॉटुलेका है और पॉटुलेका बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं। और फ्रेंड्स, समर में तो ये बहुत अच्छे से खिलते हैं और हर गार्डन में हर रोज़ खिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह के पौधे लगाएं, इन्हें आप कटिंग से ग्रो करते हैं तो बहुत ईजीली ये ग्रो हो जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।